अरुण कुमार साहिब, डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक यहाँ मेडिकल ऑफिसर के पद पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल में कार्यरत हैं, आप जरा बताएं अपने परिचय के साथ यहाँ की व्यवस्था और अन्य कई बिंदुओं के विषय में। मेरा नाम डॉक्टर रोहन सिंह राठौर है, मैं हैदराबाद से आता हूँ। मैं यहाँ मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे काम करता हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ इस हॉस्पिटल में जो है स्पेशली ये कैंसर पेशेंट्स से डील करती है और यहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। तो इनका तो पहले यहाँ स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो दोनों हम लोग के पास मेडिकल टीम भी है और सर्जिकल टीम भी है। तो पेशेंट की बीमारी को ठीक से जांच पड़ताल करके वो जिस प्रकार का कैंसर है उसके हिसाब से या तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है या सर्जिकल दिया जाता है, या दोनों ही डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं उस कैंसर को ख़त्म करने के लिए। और हमारे पास हेड और नेक कैंसर के भी सर्जन्स अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल से OB-GYN के कंसल्टेंट्स भी यहाँ काम करते हैं और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं इसमें, और साथ ही साथ बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं जो कैंसर के डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट लोड ज़्यादा है वहाँ रिसर्च करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है लोगों को, इसीलिए यहाँ भी पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिहार में बहुत ही कम कैंसर हॉस्पिटल्स है और यहाँ पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना औसतन यहाँ 150 से 200 पेशेंट आते हैं कैंसर के इलाज के लिए। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।